अब मार्वल डीसी का तो पता नहीं, बट इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में टॉर्चर के भी रोंगटे खड़े करने वाले 10 ऐसे चीप कचरा टाइप के द अल्टीमेट डिजास्टरस सुपर हीरो मूवीज बनी है, जिसे गलती से भी कोई एक बार देख लेना उसे टट्टी भी खूबसूरत लगने लगेगी। क्या किया है तुमने? कंट्री का खंभा मार के आया हूं। नंबर 10 पर है 4.8 के आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2011 की रावण। तो सौ बात की एक बात ऐसी है कि 2011 में 207 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली शाहरुख खान की करियर की अब तक की मोस्ट एम्बिशियस डिजास्टर फिल्म रावण 2011 की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म में से एक थी, जिसके चुम्बेश्वरी मार्वल डीसी और हॉलीवुड की मूवीज को शर्म से पानी पानी करने वाले एपिक विजुअल और उसके प्योर 24 कैरेट के अंदर से हिला के रखने वाले वीएफएक्स सीजीआई की आज भी मिसालें दी जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली शाहरुख खान की रावण विजुअली जितनी स्टनिंग थी उतनी ही शिट और बकवास लेवल की इस मूवी की स्टोरी टेलिंग थी, जिस वजह से रावण ये मूवी 1000 करोड़ का बजट फूकने के बाद भी ऑडियंस को किसी भी एंगल से हजम नहीं हुई, और इसी वजह से आज के डेट में भी रावण मूवी को एक क्रिटिकल डिजास्टर फ्लॉप मूवी कहा जाता है। आगे लिस्ट में नंबर 9 पर है 2.0 के आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2008 की द्रोणा, जिसमें अश्वत्थामा के गॉडफादर का कैरेक्टर यानी द्रोणाचार्य के ओरिजिन सुपर हीरो कैरेक्टर को कोई और नहीं बल्कि अभिषेक बच्चन ने प्ले किया था, और जिस सुपर हीरो मूवी को 10 में से सिर्फ 2 की आईएमडीबी रेटिंग मिली हो, तो इस बात से तुम सर और जी को खुजाते हुए अंदाजा लगा सकते हो कि गोल्डी बहल जो इस मूवी का डायरेक्टर था उसने किस फोलियो वाले माइंडसेट और विजन के साथ विजुअली टेक्निकली कुपोषित और स्टोरी टेलिंग के मामले में कितनी हग्गू मूवी बनाई होगी, जिस वजह से 2008 में 60 करोड़ के मार्वलस में बनी वो भी एक तगड़े स्टार कास्ट के साथ द्रोणा ये मूवी मुश्किल से बॉक्स ऑफिस के ऊपर 15 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके इंडियन सुपर हीरो के नाम पर एक भद्दा सा कलंक लगा दिया। आगे लिस्ट पे नंबर 8 पर है 6.8 के आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2022 की अटैक पार्ट 1। अब ये बात इंडिया के हर लौंडे को पता है कि 2022 में पब्लिक ने किस तरीके से बॉयकॉट का नारा लगाते हुए बॉलीवुड की कितने मस्त तरीके से बजाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली इस लपेटे में कुछ ऐसी भी मूवीज आ गई जो लिटरली ब्लॉकबस्टर होना डिजर्व करते थे, और 2022 की उन्हीं सुपर हीरो मूवीज में से एक है जॉन इब्राहिम की अटैक पार्ट 1। और ऑनेस्टली कहूं तो इसके सीक्वल का वेट मैं आज भी कर रहा हूं। मूवी की 19-20 की स्टोरी टेलिंग को छोड़ दिया जाए तो 60 से 80 करोड़ के बजट में बनी एक सुपर सोल्जर वाली हाई कॉम्बैट सुपर हीरो मूवी अटैक मूवी के अंदर वो सब कुछ था जो एक हम सुपर हीरो मूवी के साथ एक्सपेक्ट करते हैं। लिमिटेड बट क्वालिटी लॉजिकल विजुअल, गूज़बम्प्स देने वाली सुपर सोल्जर के एक्शन और एक डिसेंट स्वीट सी सुपर हीरो की बैक स्टोरी, इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी इस मूवी ने पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के रिएक्शन मिलने के बाद भी अपने हाफ बजट को भी रिकवर नहीं किया बॉक्स ऑफिस के ऊपर। आगे लिस्ट पे नंबर 7 पर है 3.1 की आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2016 की सुपर हीरो मूवी अ फ्लाइंग जट। अगर किसी फिल्म मेकर को सीखना हो कि एक फनी स्पूफ वाली टोटली वाहियत मजाकिया सुपर हीरो मूवी कैसे बनाते हैं, तो उन्हें रेमो डिसूजा के डायरेक्शन में बनी बीट पे बूटी वाली टाइगर श्रॉफ की सुपर हीरो मूवी अ फ्लाइंग जट देखनी चाहिए, जो साइमल्टेनियसली इन दोनों के भी करियर की सबसे चूतियास्टिक सुपर हीरो मूवी में से एक है, जो टेक्निकली वीएफएक्स सीजीआई के मामले में तो डैम्न श्योर बुरे थे ही, बट उससे भी बदतर 1 करोड़ की लेंडी वाली इस मूवी की स्टोरी टेलिंग थी, जिसे अगर कोई अपनी नंगी आंखों से देखता है तो उन आंखों को बवासीर होना तय है। भागने की जरूरत। आगे लिस्ट में नंबर 6 पर है 3.7 की आईएमडीबी रेटिंग के साथ प्रोबेबली 1987 की सुपरमैन। जी हाँ, आंखें फाड़ के देखने की जरूरत नहीं है, इंडिया में भी जमाने जमाने पहले ही सुपरमैन की इंडियन वर्जन के साथ लाइव एक्शन ओरिजिन मूवी बन चुकी है। अब देखो, ये बात सभी को पता है कि जमाने जमाने पहले से ही बॉलीवुड की ये एक बहुत ही गंदी आदत रही है कि वो हॉलीवुड के महंगे माल को सस्ती कॉपी बनाते हुए उनके चीप रिमेक्स को इंडिया के अंदर रिलीज करते आया है, जिनके गहरे राज थैंक्स टू इंटरनेट अब जाके खुल रहे हैं। और रही बात पुनीत इसर की इस सुपरमैन वाली मूवी की, तो भगवान जाने के क्या सोचकर मेकर्स ने बिना किसी सुपर विलन वाले कैरेक्टर के साथ ठुमके लगाते हुए शक्ति कपूर को अपनी मूवी में लेकर सुपरमैन की मूवी कैसे बनाई। क्राइम मास्टर गोगो पूछ रहा है कि हीरे कहाँ है। आगे लिस्ट पे नंबर 5 पर है 7.6 के आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2018 की मोस्ट अंडररेटेड सुपर हीरो मूवी भावेश जोशी, जिसे मैं एक ऑनरेबल अनफॉर्चुनेट डिजास्टरस सुपर हीरो फिल्म के कैटेगरी में रखना चाहूंगा, क्योंकि हॉलीवुड में भी रेयरली ही कभी ऐसी कड़क हाईली मेच्योर ओरिजिन सुपर हीरो मूवी बनी हो। इस बात का तुम इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया के पॉप कल्चर के सुपर हीरो कम्युनिटी के नर्ड्स आज भी लिटरली आज भी इस कल्ट क्लासिक सुपर हीरो मूवी के सीक्वल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि भावेश जोशी जिसे इंडिया बैटमैन कहा जाता है पॉजिटिवली वो अनपरफेक्ट इंडियन सुपर हीरो है, जिसके हार्डकोर रियलिस्टिक ओरिजिन स्टोरी से हर लौंडा रियल वर्ल्ड में तगड़ी इंस्पिरेशन लेकर झंडा गाड़ सकता है। और आईएमडीबी की 7.6 की फकिंग रेटिंग इस बात का जिंदा प्रूफ है कि हीरो पैदा नहीं होता, बनता है।
आगे नंबर 4 पे 5.2 की आईएमडीबी रेटिंग के साथ है प्रोबेबली 1991 की अजूबा, जिसमें अगर मैं 99% के साथ गलत नहीं हूँ तो अमिताभ बच्चन की ये सेकंड सुपर हीरो लाइव एक्शन मूवी थी, जिसे रशियन फिल्म मेकर गैनेडी वासिल्स ने डायरेक्ट किया था, वो भी शशि कपूर को को डायरेक्टर बनाते हुए। बट अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में रशियन का उतना कल्चर नहीं था, मेरा मतलब है उनकी फिल्मों का और स्टोरी टेलिंग का, जिस वजह से इंडिया की ऑडियंस इस फैंटेसी सुपर हीरो मूवी से उतने छप्पड़ फाड़ लेवल पर कनेक्ट नहीं हो पाई जितना पहले हुआ करती थी। और ऑडियंस की इसी मिक्स वर्ड ऑफ माउथ की वजह से अमिताभ बच्चन का ये घोड़े वाला सुपर हीरो अपने अच्छे खासे हेवी बजट को डुबाते हुए एक अल्ट्रा डिजास्टर मूवी साबित हुई। आगे लिस्ट पे नंबर 3 पर है 5.8 की आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2017 की कॉमेडी सुपर हीरो फिल्म सुपर सिंह। ऑनेस्टली कहूँ तो एक डिसेंट ओरिजिन स्टोरी के साथ में ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करते हुए जिस लेवल पर सुपर हीरो गिरी दिखाई है, कहने का मतलब ये है कि सुपर सिंह के अंदर लेजी स्क्रीन प्ले को टाइट कर मूवी के अंदर 150-150 करोड़ फूक कर क्वालिटी VFX CGI यूज करते, तब डेफिनेटली सुपर हीरो जॉनरा में बनी, तब सुपर सिंह डेफिनेटली अपनी सुपर पगड़ी को फ्लेक्स करते हुए एक तगड़ी हार्डकोर सुपर हीरो ब्लॉकबस्टर मूवी तो बनी जाती, क्योंकि सुपर सिंह इस मूवी के शॉक कर देने वाले बजट की के गड़े मुर्दे को बाहर उखाड़ कर देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इस सुपर हीरो मूवी को बनाने के लिए सिर्फ 10 करोड़ का बजट फूका गया था, जो कि सुपर सिंह को सबसे चीपेस्ट सुपर हीरो मूवी बनाती है और साइमल्टेनियसली विजुअल टट्टी भी। आगे लिस्ट पे नंबर 2 पे है 3.7 की आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2015 की सस्ती सुपर हीरो मूवी मिस्टर एक्स, जिसमें फर्स्ट टाइम चुम्बन देवता यानी इमरान हाशमी ने इनविजिबिलिटी की सुपर पावर की एबिलिटी रखने वाले सुपर हीरो कैरेक्टर को प्ले किया था, जो कि एक अनऑफिशियली हॉलीवुड की होलो मैन मूवी का कॉपी कट पेस्ट वाला रीमेक था। हालांकि उस टाइम के हिसाब से इस मूवी की VFX CGI देखने के लिए थूक पॉलिश लेवल पर देखा जाए तो ओके ठीक ठाक थे, बट सुपरमैन की भी चड्डी उतारने वाली इस मूवी की वाहियात स्टोरी इमरान हाशमी की सुपर हीरो मूवी मिस्टर एक्स का सबसे बड़ा वीक पॉइंट था, जिस वजह से 30 करोड़ के एवरेज बजट में बनी मिस्टर एक्स वन ऑफ द सुपर फ्लॉप मूवीज में से एक बन गई। फाइनली लिस्ट पे नंबर 1 पर है 5.6 की आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2022 की कॉन्ट्रोवर्शियल सुपर हीरो मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। अब ऑनेस्टली कहूँ तो इस मूवी के ऑसम VFX CGI VFX को छोड़ दिया जाए तब सुपर हीरो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा ये मूवी स्टोरी के मामले में टोटली कचरा है। ऊपर से मूवी के क्रिंजी डायलॉग्स, उसे सुनने के बाद तो कानों से खून निकलना तो तय है। ऊपर से इस सुपर हीरो मूवी के अंदर जिस तरीके से बिन पेंदी की लव स्टोरी को दिखाया गया है, उस चना जोर गरम वाले फैक्टर को इस मूवी के अंदर से निकाल दिया जाए तब ब्रह्मास्त्र मूवी के अंदर VFX और CGI ही बचे रहेंगे। इसीलिए कूदते हुए 400 करोड़ कमाने के बाद भी आज भी इस सुपर हीरो लव अस्त्र मूवी को क्रिटिसाइज करते हुए हेविली ट्रोल किया जाता है। तो ये थे टॉप 10 इंडिया के जहरीले सुपर हीरो मूवीज, जिसे अगर कोई बंदा भूल कर भी देखता है तब उसका हमेशा के लिए कोमे में जाना तय है। तो इसी बात पर GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और X पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय।